हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पद से हटाए गए यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, अमेरिका के इतिहास में हुआ पहली बार। बता दें कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी को पद से हटा दिया गया है। 9 महीने इस पद पर रहे केविन ने शटडाउन रोकने के प्रयास में डेमोक्रेट्स का सहयोग किया था, जिसके चलते कुछ रिपब्लिकन सांसद उनसे नाराज थे। गौरतलब है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार इस सदन के स्पीकर को हटाया गया है। बता दें कि यह प्रस्ताव 216-210 वोटों के अंतर से पास हुआ। बादल फटने के बाद सिक्किम में अचानक बाढ़ आने के चलते लापता हुए 23 सैनिक। बता दें कि गुवाहाटी के रक्षा प्रवक्ता के अनुसार उत्तरी सिक्किम की लाचेन घाटी में लोहोनक झील के ऊपर बादल फट जाने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। बकौल रक्षा मंत्रालय, जवानों की तलाश जारी है और कुछ वाहनों के भी सैलाब में बह जाने की रिपोर्ट मिली है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक झील फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। निज़र की हत्या पर बोला यूएस, कहा भारत के खिलाफ कनाडा के आरोप गंभीर, पूरी तरह जांच करने की जरूरत। बता दें कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज़र की हत्या को लेकर कहा कि भारत के खिलाफ कनाडा के आरोप गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पूरी तरह से जाँच किए जाने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम भारत से जाँच में सक्रियता से भाग लेने का अनुरोध करते हैं। ईडी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर मारा छापा। बता दें कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में ये छापेमारी की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा, नांदेड़ के अस्पताल में हुई हरेक मरीज की मौत की जांच होगी। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरिफ ने नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 48 घंटों में 35 मरीजों की जान जाने को लेकर कहा कि एक कमेटी हरेक मरीज की मौत की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि कमियों को दूर किया जाएगा, 15 दिनों में बदलाव नजर आएंगे। बता दें कि बकौल मुशरिफ 500 मरीजों की क्षमता वाले अस्पताल में करीब 1000 मरीज भर्ती थे, अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं थी। कोटा में कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों का टेस्ट लेने पर लगी रोक हटाई गई, नई गाइडलाइन हुई जारी। बता दें कि राजस्थान के कोटा में खुदकुशी की घटनाओं को रोकने के मकसद से कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों का टेस्ट लेने पर लगी रोक हटाते हुए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस में टेस्ट में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं करने, टेस्ट के अगले दिन अवकाश रखने और रिजल्ट में रैंक प्रणाली को बंद करने को कहा गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी केस में मिली जमानत। बता दें कि दिल्ली के एक कोर्ट ने रेलवे से जुड़े हुए कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमानत दी है। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की बेटी व आरजेडी के सांसद मीसा भारती को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।